Brought to you by Baidyanath Vita X Gold. Vita X Gold, जोश और एनर्जी बढ़ाने में लाभकारी, शारीरिक बल बढ़ाने में लाभकारी। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मंगलवार को आने वाली सुनवाई पर न केवल राहुल गांधी बल्कि बेंगलुरु में जुटे सभी विपक्ष के नेताओं की नजर होगी। वो सब इस पर नजर गड़ाए हुए होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन सबसे बड़ी बात, अगर सुनवाई के बाद फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता तो उनके करियर के 8 साल पर बट्टा लग सकता है। विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिसमें मोदी सरनेम के लोगों को चोर बताने वाला बयान पर कोर्ट ने राहुल को 2 साल के लिए जेल और संसद सदस्यता खत्म करने को मजबूर किया था। राहुल ने इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। जिस केस पर इतनी चीजें टिकी हुई है थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। बात 2019 की है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। 4 साल बाद ये केस का फैसला आया और राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। कांग्रेस ने मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो जस्टिस हेमंत की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राहुल की अपील का कोई आधार नहीं है। इसके बाद राहुल अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचे हैं जहां उनके भविष्य का अंतिम फैसले पर सुनवाई की जाएगी। ये फैसला न सिर्फ राहुल बल्कि कांग्रेस और एकजुट हुए विपक्ष का भविष्य तय करेगा। बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ है और आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में राहुल गांधी और विपक्षी एकता को लेकर भी बातचीत होगी। ये तय किया जाएगा कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो 2024 के चुनाव में राहुल की जगह विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो यह भी किया जाएगा कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष कैसे बीजेपी के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा। हालांकि विपक्ष में नीतीश, ममता, केजरीवाल समेत कई विपक्ष के नेता चेहरा बनने की होड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।